गुड मॉर्निंग एवरी व्यूअर्स, दिस वीडियो इज बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड 4 एंड इन दिस वीडियो वी विल कंसर्न ओवर द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस दैट लाइज इन अबू कंट्री. सो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हिमालया इन द कंट्री एंड द हिमालया माउंटेन that consisted of three parallel ranges, the Himadri, the Himachal and the Shivalik are the three prominent three parallel ranges of this Himalayan mountain. Okay, this video is belongs to standard 4, so we should carry out the information in Hindi also. Means ye कि नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ेंगे हम लोग और नॉर्दर्न माउंटेन्स को ही हिमालय भी कहते हैं. तो द हिमालय माउंटेन रेंजेस जो है वो कंसिस्टेड है थ्री पैरेलल रेंजेस से, तीन पैरेलल रेंजेस से ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस कंसिस्टेड है. एक पहला है द ग्रेटर हिमालयाज जिसे हिमाद्री कहते हैं, द मिडिल हिमालयाज जिसे हिमाचल कहते हैं और द लेसर हिमालयाज जिसे शिवालिक भी कहते हैं. तो ये तीन पैरेलल रेंजेज हैं जो जिससे हिमालयाज कंसिस्टेड है. हम मैप में बात करेंगे तो ये जो पार्ट है काराकोरम का, काराकोरम सीरीज और ये गॉडविन ऑस्टिन यहाँ है, यहाँ जो है गॉडविन ऑस्टिन है आपको पता है. और ये जो माउंटेन रेंजेज है ये एक आर्क की तरह है और यहीं पर एक पीक है जिसका नाम कंचनजंगा है जो हमारे देश के सिक्किम में पड़ता है. तो ये कंचनजंगा, ये मकालू, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, तो कामेट, तो ये सारे पर्वत जो माउंटेन पीक है वह सारे माउंटेन पीक इसी ग्रेटर हिमालयाज में सिचुएटेड है जिसे हिमाद्री भी कहते हैं. आइए एक एक करके इसका स्टडी करते हैं. द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, ग्रेटर हिमालया या जिसे हिमाद्री भी कहते हैं आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेज, ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेज है. ठीक है, ये हिमालयाज का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेज है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालया. ये पूरा हिमालय है, हिमालय का नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर साउथ. तो ये जो हिमाद्री है ये नॉर्दर्न मोस्ट डायरेक्शन में पड़ता है. और ये जो हिमालयाज है ये कवर्ड, ये जो मतलब हिमाद्री जो ग्रेटर हिमालय है वो कवर्ड है किसे, आइस से, स्नो से थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये सालों भर बर्फ से ढका रहता है और ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में सिचुएटेड है. और यहाँ पर इतने मात्रा में स्नो कवर्ड होते हैं जो स्नो ड्रिफ्ट होकर के, स्लाइड होकर के ग्लेशियर बन जाते हैं और ग्लेशियर्स को ये बर्फ प्रदान करते हैं, इतने बर्फ यहाँ जमते हैं. और यहाँ सालों भर बर्फ जमते रहते हैं जो कि ग्लेशियर्स को, हिम नदियों को ये स्नो प्रोवाइड करते हैं. दीज ग्लेशियर्स आर द सोर्सेस ऑफ द रिवर, और यही ग्लेशियर्स जो है रिवर का सोर्स बनता है. जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, मानसरोवर लेक से इंडस रिवर निकलती है, ऐसी मानसरोवर लेक के ईस्टर्न पार्ट से ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलती है जिसे भूटान, जिसे जो है नेपाल में और तिब्बत में जिसे जो है वो सब जिसे सांगपो कहते हैं. तो ये जो बड़ी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, सारी नदियों का सोर्स यही ग्लेशियर्स हैं और अलग अलग जगहों में इन ग्लेशियर्स का अलग अलग नाम है. तो ये सारी रिवर, दीज ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ द रिवर, ये नदियों जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो रिवर के सोर्स होते हैं. जैसे द इंडस रिवर, द गंगा रिवर, द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी और इसकी सहायक नदियाँ, और जैसे गंगा
इंडस की जो सहायक नदियां हैं, इंडस की जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें दहुंजा है, दन्यूबरा है, दहुंजा है, सियोक है, उसके बाद रावी है, झेलम है, सतलज है, चेनाब है, ब्यास है, तो ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इंडस में आकर के मिली हैं, तो इसे इंडस के ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदी कहते हैं। फिर गंगा की जो सहायक नदी है, द घाघरा है, द कोसी है, द गंडक है, पुनपुन है, सोन है, बैती है, कमला है, करे है, तो इतनी सारी जो रिवर्स हैं, ये सारे रिवर्स गंगा की आप ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर्स के भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें आप लोहित का नाम सुने होंगे, दिहांग का नाम सुने होंगे, दिवांग का नाम सुने होंगे, तो ये सभी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसी ब्रह्मपुत्र के हैं। तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज जो हिमालय से निकले हैं, सबके लिए मेन सोर्स ये ग्लेशियर है, और ग्लेशियर को तो जो स्नो है वो हिमालय हिमालय प्रोवाइड करती है। इसके बाद का जो है वो मिडिल हिमालय है, जिसे हिमाचल भी कहते हैं, और ये साउथ ऑफ द हिमाद्री, ये हिमाद्री रेंजेज है, हिमाद्री के साउथ में जो ये रेंजेज है, ये हिमाद्री के साउथ में जो ये रेंजेज है, इसी रेंजेज को हिमाचल भी कहते हैं या मिडिल हिमालय भी कहते हैं, और ये बहुत ऊंचा नहीं है, ये हिमाद्री की तरह ऊंचा नहीं है, हिमाद्री से कम ऊंचा है, और यहाँ पर बहुत सारी वैलीज हैं जिसे लो लेइंग एरियाज भी कहते हैं, एंड व्हिच मेनी रिवर्स फ्लो, और ये छोटे लो लेइंग एरियाज वैली से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और ये नदी ये जो वैलीज है वह प्लम और अपल का और चार्ट भी है, बगीचा बाग बागान जो है प्लम के और अपल के बाग बगीचे यहाँ पर पाए जाते हैं, और बहुत सारे होली पैलेसेस जो हैं, पवित्र स्थल जिसे कहते हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, तो ये सभी जो होली पैलेसेस हैं, पवित्र स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, ये भी इसी हिमाचल रेंजेज में सिचुएटेड हैं, और इसके स्लोप पर जो है वो पाइन, विलो, ओक, देवदार जैसे वृक्ष मिलते हैं, घने जंगल मिलते हैं, थिक फॉरेस्ट मिलते हैं, और यहीं पर बहुत सारे हिल स्टेशंस जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल जैसे हिल स्टेशंस इसी हिमाचल रेंजेज में सिचुएटेड है। इसके बाद जो है वो है लेसर हिमालय, ये है लेसर हिमालय ये, और ये लेसर हिमालय को शिवालिक भी कहते हैं, तो लेसर हिमालय लोकेटेड इन एक्सट्रीम साउथ पार्ट ऑफ हिमालय, मीन सबसे दक्षिणी पार्ट, ये साउथ पार्ट पे ये लोकेटेड है, विच हैव लोअर हाइट, इसकी भी हाइट बहुत कम है, और हाइट एंड कवर्ड विद थिक एंड वेल्युएबल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और ये ढके हुए हैं, कवर्ड हैं घने जंगलों से, और उन घने जंगलों में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ, वन्य पशु, जीव जंतु भी पाए जाते हैं, रहते हैं, यही जंगल, यही फॉरेस्ट इन जीव जंतुओं के लिए घर है। उसके बाद फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय का जो इसके बाद का जो रेंज है ये फुट हिल है, और इसी फुट हिल को तराई भी कहते हैं, नेपाल की तराई, बिहार की तराई, तो ये फुट हिल्स का आप तराई भी कहते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न, अब इसी का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाए तो यहाँ पर गारो खासी जयंतिया है, गारो खासी जयंतिया है, हिल्स है। उसके बाद ये भी घने जंगलों से, इसके यहाँ ये भी घने जंगलों से ढके हुए हैं, और घने बहुत सारे जीव जंतुओं का ये घर है, और इसी में गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया हिल्स है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, नहीं मणिपुर हिल्स है, लुशाई हिल्स है, तो ये सारे हिल्स इसी में पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हिमालयन माउंटेन रेंजेज कंप्लीट हो गया, अगले क्लासेस में या इससे रिलेटेड और भी जो मैटर होगा उसे हम अगले क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।